हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ कोलकाता स्टेशन में। तो आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 02357 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस, जो कि अभी स्पेशल ट्रेन के नाम से चल रहा है। तो ट्रेन के स्टेशन के अंदर जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। लास्ट वाला ब्लॉग जो है वो इन्जॉय किया था आपने, हम देखे, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। लेकिन इस जर्नी के दौरान आपको एक बात बता देना चाहूँ, हम टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप जर्नी हम लोगों का होने वाला है। टोटल एकदम नॉन स्टॉप जर्नी रहेगा। पहले ये ट्रेन हमने आपको कवर करके दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी ये ट्रेन फिर से मैं दिखाने वाला हूँ आपको। पहले 110 किलोमीटर पर रन करता था, अभी फिलहाल इसको स्पीड अपग्रेड करके इसको 130 किलोमीटर पर अभी इसको ट्रेन को ऑपरेट होता है। तो चलिए स्टेशन के अंदर जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और आपको फिर से एक बात बोल देना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पे नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, बिकॉज न्यू वीडियोस आपके लिए मैं फ्यूचर लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए और चलते हैं, जर्नी हाइलाइट्स इंजॉय करिए, जाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए 1 2 3 चलिए। जैसे कि मैं स्टेशन के अंदर आ रहा था तो कोई थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे हावड़ा स्टेशन पे था, यहाँ पे भी कोई ऐसा ही हाल है। तो मेरा जो जर्नी होगा कोलकाता से आसनसोल तक होने वाला है, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 200 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है 200 किलोमीटर रहेगा। और हम लोगों के साथ है अभी हावड़ा सेट का WAB7, देख सकते हैं बहुत दूर है, हावड़ा सेट का WAB7 मिला, WAB7 मिला है। तो यहाँ से डूब चुका है कोलकाता जम्मूतवी एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो है हम लोग ओवरटेक करेंगे बाद में। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ज़रूर बता देना चाहूँगा, जर्नी करने के दौरान जो जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इससे पहले ये ट्रेन का जर्नी बाद में आएगा, पहले वाला जो ब्लॉग आएगा आसनसोल से कोलकाता तक आने वाला है, वो ब्लॉग आप इंजॉय जरूर करिए, बिकॉज वो ब्लॉग जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगा, इसीलिए वो ब्लॉग जो इंजॉय करिए। और आज मेरा जो कोच नंबर है सेकेंड सीटिंग D2 कोच है, फिर से मैं सेकेंड सीटिंग में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलिए कोच के अंदर जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं, चलिए। ये ट्रेन जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार जरूर बता देना चाहूँगा, इस ट्रेन में टोटल 20 कोचेस है। 20 कोचेस के दौरान इस ट्रेन में हम जर्नी कर रहे हैं जो है वो सेकंड सीटिंग कोच, वो तीन सेकंड सीटिंग कोच, पहले ये जनरल कोच के मामले चलता था, अब ये सेकंड सीटिंग कोच के मामले चलता है। स्लीपर क्लास है, 9 स्लीपर क्लास है, 5 थर्ड एसी है और 2 एक सेकेंड एसी है, बिकॉज अभी कोविड का टाइम है तो स्पेशल ट्रेन के नाम से ये चल रहा है, बिकॉज इसीलिए इस ट्रेन में टोटल अभी 20 कोचेस है, बिकॉज कोई भी पेंट्री कार्ड इंक्लूड नहीं है, 2 जनरेटर कार्ड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, यही थोड़ा है। तो क्या होगा, अभी ट्रेन जर्नी स्टार्ट करेंगे, डिपार्चर जरूर दिखाएंगे, हाईलाइट्स अब इन्जॉय किए कि नहीं किए वो
आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए गंजी अच्छा लग रहा एकदम बैंग ऑन टाइम। 12:10 को टाइम था कोलकाता से, 12:10 को ही डिपार्ट हो रहा है कोलकाता से। इधर सारे जहाँ से का कोमो का WAP से भी शायद सारे जहाँ से अच्छा के लिए रखा हुआ है। बारिश हुआ था ना? हाँ, बहुत बारिश से पूरा एकदम पानी। हमें हावड़ा स्टेशन पे जो है छह दिन स्टेशन पर बैठे पंजाब के लिए। अभी 900 रुपया वहन भरा तो फिर जाना। हाँ तो होगा ना, अभी तो होगा ही। 900 रुपया वहन भरा और सीटें सब। बहुत जल्दी कर रहा है, ट्रेन जो है थोड़ा स्लो है और ट्रेन का जो
वॉशरूम है वो आपको जरूर दिखाऊंगा। ट्रेन का वॉशरूम दिखाने से पहले गाइस, ट्रेन का वॉशरूम दिखाने से पहले सामने है मिरर, नीचे टैप है, वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, नीचे डस्टबिन है और कुछ है तो चलिए इसके अंदर जाते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ 02357 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस के वॉशरूम में। तो वॉशरूम देखने से पहले सामने मिरर आप देख सकते हैं, पूरा क्लीन मिरर है एकदम, नीचे वाटर डिस्पेंसर, पानी आराम से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर लाइट है, देख सकते हैं लाइट ठीक ठाक है, नीचे भी दिखा दूंगा, नीचे भी एकदम सही है। इधर और टैप है और यहाँ पे भी पानी आराम से आ रहा है और यहाँ पे पुश करने के लिए ऑप्शन दिया है ये, और ये भी काम कर रहा है, फ्लैशर है। तो यहाँ पे सॉकेट सिस्टम भी है और लॉक, एक से लॉक सिस्टम दो दिया हुआ है देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए लेकिन नहीं है। और आपको एक बार जरूर बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे कोई भी मैंने देखा कोई फायर डिस्टिंग्विशर वगैरह ये सब नहीं है, पूरा एकदम प्लेन है। तो अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो इस ये आप चीज थोड़ा ध्यान रखें। और आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ, तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो आपको कोई भी फैसिलिटीज इस ट्रेन में ज्यादा नहीं मिलेगी, बिकॉज स्पेशल ट्रेन है, कोई भी पेंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग इसमें इंक्लूड नहीं है। आप अगर बहुत दूर यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, घर से खाओ अपना फूड जो है घर से कैरी करना है, बिकॉज आपको ट्रेन में कोई फूड वगैरह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पानी मिल रहा है, रेल नीर वाला पानी भी आप ले सकते हैं, वो मिल रहा है, चाय नॉर्मल चाय जो है वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी फूड वगैरह फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगा, ऑनबोर्ड कैटरिंग के भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर दूर यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपसे एक ही विनती है कि आप क्या करें, फूड जो है घर से आप बना के ले आए, यही आपसे आपसे विनती। तो ट्रेन का जर्नी अभी तक जो है बढ़िया हुआ है, अभी तक जो है ट्रेन बहुत ही अच्छा रन दे रहा है, वॉशरूम कंडीशन भी बढ़िया है। तो चलिए स्किप देखते हैं, ज्यादा मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आसनसोल के उतरूंगा उसके बाद ही आपसे बात करूंगा, बिकॉज दिखाने के लिए कुछ नहीं है ज्यादा, ट्रेन नॉर्मल है। ट्रेन का चार्जिंग सॉकेट भी देखा, वो भी अच्छे से काम कर रहा है, मतलब बढ़िया है, जैसा होना चाहिए बढ़िया है। आवाज जो है थोड़ा बहुत धीमा आ रहा है, इसीलिए मैं अंदर घुस के बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे पहले वीडियो में बताया था तो थोड़ा साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कान में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये थोड़ा मेरा हमें माइक वाइक सब यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं ब्लूटूथ स्पीकर ये यूज करता हूँ, इससे बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आता है। लेकिन क्या है, ट्रेन इतना जर्किंग करता है, इतना आवाज आता है, मेरा जो आवाज है, मेरा जो साउंड है वो आप लोगों तक सुनाई देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इस बार भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं हो रहा है तो वो भी बताइए। तो चलिए स्किप देखते हैं, आसनसोल में जाएंगे उसके बाद बात करेंगे, बिकॉज शॉर्ट जर्नी में कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप जर्नी हो रहा है तो नॉर्मल है एकदम, पूरा नॉन स्टॉप जर्नी होगा कोलकाता से आसनसोल तक, पूरा एकदम नॉन स्टॉप जर्नी होगा, इसीलिए आपको क्या कर रहा है, थोड़ा जर्नी आपको इंजॉय करना है, स्किप इंजॉय करना है, चलिए स्किप इंजॉय करते हैं।
357 दुरियाना एक्सप्रेस ओवरटेक 03151 कोलकाता जम्मू तवाई एक्सप्रेस।
এটা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে শব্দ বেরিয়ে গেল পুরী জয়নগর ক্রসিং পুরী জয়নগর এক্সপ্রেস किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन स्टेशन कोड ASN। पहले भी आपको कवर करके दिखा चुका हूं। तो ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट हो चुका है बिकॉज हम यहां पे थोड़ा खाली है इसीलिए यहां पे आके मैं बात कर रहा हूं। तो जर्नी का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको बताना है। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसे ही जर्नी शॉर्ट जर्नीस बहुत आते रहेंगे। इसीलिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है। और जो मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जाए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करे। सेम अकाउंट है IRF शुभदीप के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा ऊपर। तो चलिए जर्नी मैं कंप्लीट करता हूँ। तब तक के लिए मिलेंगे एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय। दिल्ली।